खबर बिहार के किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के भेलागुड़ी में जदयू का अल्पसंख्यक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री सह बिहार विधानसभा के सचेतक नौशाद आलम ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। तो वहीं विधायक प्रतिनिधि अजमल सैनी, पूर्व मंत्री मंजर आलम आदि लोगों ने बारी बारी से सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सभा की समाप्ति के बाद हमारे संवाददाता इमामुद्दीन ने पूर्व मंत्री नौशाद आलम से कई सवाल पूछे। जवाब में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। अल्पसंख्यक का प्रोग्राम था, अल्पसंख्यक सम्मेलन था, अल्पसंख्यक के काफ़ी लोग यहाँ आए थे, हजार दो हजार लोग यहाँ आए थे। उन लोगों को जो सरकार की जो योजना है उसको बताया गया है कि सरकार की योजना जो चल रही है उसमें अल्पसंख्यक के लिए खास करके जो योजना है उसका उस पर उनका ध्यान होना चाहिए। हम आपसे बात ये बात सुन रहे हैं, हमारे ध्यान में आया है। तो किसी के लिबास पर या खान पान पर बहुत ज़्यादा मतलब उस अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इसमें जो बातें होगी हम सरकार के स्तर से इसको हम लोग कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचाने का। महानंदा बेसिन के लिए जो राशि आवंटित हुई थी, तो महानंदा बेसिन का मतलब सिर्फ महानंदा में काम का नहीं है, उसमें कई नदियां हैं और महानंदा में भी एक तरफ से काम नहीं हो रहा है, वो साउथ से, जैसे आपका कटिहार जिला में एक फेज में काम हो गया है, तीन चार फेज में काम होना है। तो एक फेज का काम खत्म हो गया है, दूसरे फेज का काम महानंदा के अलावा दूसरे नदियों में शायद प्रारंभ होने वाला है और तीसरा फेज में जो हम लोगों का एरिया है महानंदा और मेची का, उसमें काम होगा। मंडल का दर्जा मिले, पौवाखाली को प्रखंड का दर्जा मिले, बहादुरगंज को मिले, उधर कई जगह है जो प्रखंड अगर हो जाता है, नया प्रखंड हो जाता है, नया अनुमंडल हो जाता है, तो लोगों को की सुविधा जो है वो बढ़ेगी, सुविधा का लाभ ले सकेंगे। जो बहुत लोगों को हर दिन बताइए कि दिन सब्जी बन जाने में गुजर जाता है, तो उनका समय बचेगा। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग उस प्रक्रिया में जहाँ तक हो सके कोशिश करके उसको बढ़ाने का।